इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा वाहन। अकोदारी की हादसे में 12 लोग हो गए हैं घायल, तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला है सुरक्षित। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकोदारी की गहरी खाई में वाहन गिर गया है, जिसमें 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं सूचना पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो वहीं सूचना के बाद फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से, जहां अनियंत्रित होकर एक वाहन खाई में गिर गया, तो वहीं इस हादसे में 12 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है, तो वहीं पुलिस भी अभी फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि चमोली से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां एक वाहन गहरी खाई में गिर गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 12 लोगों के घायल होने की अभी तक सूचना मिल पाई है, जहां सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं अभी पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का एक सिलसिला जारी है, जहां अभी तक आपको बता दें कि 12 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गंभीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गंभीर, एक वाहन की खाई में गिरने की बात सामने आई है, 12 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अब घायलों की है इस पूरे हादसे में, जो घायल हुए उन लोगों की? आईसी में ये बता दूं कि आज सुबह सुबह जो है ये कनखुल से, जो कि कणप्याक जो है क्षेत्र में आता है, कनखुल से जो है कि कणप्याक के लिए जो है ये गाड़ी निकली थी, जिसमें कि 12 लोग जो है सवार थे, जिसमें कि जो है 3 महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन वो कुछ दूरी पर जाते ही वो जो है जो गाड़ी है जो टाटा सुमो थी, वो अनियंत्रित होकर के 100 मीटर खाई गहरी खाई में गिरी। लेकिन शुक्रिया है कि उसमें कोई जो है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और 12 के 12 जो लोग हैं वो जो है कि घायल हो गए हैं, और स्थानीय लोगों द्वारा ही उन लोगों को वहां से निकाल कर अस्पताल के लिए जो है रवाना किया गया। जी जी गंभीर, क्या कुछ माना जा रहा है इस पूरे हादसे में, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? अगर देखा जाए तो जो है कि जो गाड़ी है, गाड़ी में जो है कि जो अधिक सवारी होने के कारण, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं या जो ये मानक है जो टाटा सुमो में जो बैठने का, वो मात्र जो है कि 10 सवारी उसमें बैठ सकते हैं, 12 लोग उसमें बैठे हुए थे। हो सकता है कि जो है ड्राइवर के साथ जो कि जहाँ पर 3 थे वहां पर 4 बैठे हों, और इस हालत में जो कि ड्राइवर गाड़ी चलाने में जो है कि गाड़ी को नहीं संभाल पाया और वो ये हादसा सामने आया हो। अभी इसकी जांच हो रही है, पुलिस मौके पर है। जी जी गंभीर, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर गहरी खाई में एक वाहन गिर गया। फिलहाल 12 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।